हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल हब। बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो, इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉच मोर वीडियोस। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर 30 एमसीक्यूज विद आंसर्स ऑफ मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कॉर्ड एबनॉर्मेलिटी इन विच कॉर्ड इज कनेक्टेड टू द मार्जिन ऑफ द प्लेसेंटा इज नोन एज। देयर आर फोर ऑप्शंस, ए बैटल डोर प्लेसेंटा, बी बेलामेंटस प्लेसेंटा, सी सुपरफेक्टेशन एंड डी सुपरफेकंडेशन। राइट आंसर इज बैटल डोर प्लेसेंटा। इन दिस क्वेश्चन आई हैड गिवन अ इमेज बिकॉज यू डोंट गेट कन्फ्यूज, सो लेट सी द इमेज। इन बैटल डोर प्लेसेंटा कॉर्ड एबनॉर्मेलिटी, कॉर्ड इज कनेक्टेड टू द मार्जिन ऑफ द प्लेसेंटा, दीज आर द बैटल डोर प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ हेल्प सिंड्रोम। ऑप्शन ए हीमोलाइसिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट लेवल, बी हीमोलाइसिस, एलिवेटेड लिम्फोसाइट्स एंड लो प्लेटलेट लेवल, सी हीमोग्लोबिन यूरिया, एलिवेटेड ल्यूकोसाइट्स एंड लो प्लेटलेट लेवल। राइट आंसर इज ए हीमोलाइसिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट लेवल। सो द फुल फॉर्म ऑफ हेल्प सिंड्रोम इज हीमोलाइसिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, कॉर्ड एबनॉर्मेलिटी इन विच कॉर्ड इज अटैच्ड टू मेम्ब्रेन्स इज नोन एज। ऑप्शन ए बैटल डोर प्लेसेंटा, बी बेलामेंटस प्लेसेंटा, सी सुपरफेक्टेशन एंड डी सुपरफिकंडेशन। राइट आंसर इज वेलामेंटस प्लेसेंटा। इन वेलामेंटस प्लेसेंटा कॉर्ड इज अटैच्ड टू मेम्ब्रेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, इफ प्री एक्लैम्प्टिक फीचर्स सबसाइड एंड द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज 26 वीक, देन ऑप्शन ए डिस्चार्ज द पेशेंट, बी परफॉर्म डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन, सी परफॉर्म सिजेरियन सेक्शन एंड डी स्टार्ट ऑक्सीटोसिन ड्रिप। राइट आंसर इज डिस्चार्ज द पेशेंट। इफ द प्री एक्लैम्प्टिक फीचर सबसाइड एंड द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज 26 वीक्स, देन डिस्चार्ज द पेशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इन फॉलोइंग विच इज नॉट अ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ सीवियर प्री एक्लैम्प्सिया। ऑप्शन ए वेट गेन, बी हाइपरटेंशन, सी इंक्रीज्ड प्लेटलेट काउंट एंड डी रेटिनल हेमरेज। राइट आंसर इज सी इंक्रीज्ड प्लेटलेट काउंट। इंक्रीज्ड प्लेटलेट काउंट इज नॉट अ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ सीवियर प्री एक्लेम्सिया बिकॉज ऑफ इन सीवियर प्री एक्लेम्सिया डिक्रीज्ड द प्लेटलेट काउंट। सो राइट आंसर इज सी इंक्रीज्ड प्लेटलेट काउंट इज नॉट अ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ सीवियर प्री एक्लेम्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, ड्यूरिंग सीवियर प्री एक्लेम्सिया फाइंडिंग ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आर रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन ए 120 एंड 80 mmHg, बी 140 एंड 90 mmHg, सी 160 एंड 110 mmHg, डी मोर देन 160 एंड 110 mmHg। राइट आंसर इज डी, मोर देन 160 एंड 110 mmHg। सो ड्यूरिंग सीवियर प्री एक्लेम्सिया द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज मोर देन 160 mmHg एंड द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज मोर देन 110 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, विच एबडोमिनल ग्रिप इज यूज्ड टू असिस्ट द डिसेंट ऑफ हेड इन अ प्रेग्नेंट वूमेन। ऑप्शन ए फंडल, वी लेटरल, सी पेल्विक फर्स्ट एंड डी पेल्विक सेकेंड। राइट आंसर इज डी पेल्विक टू। पेल्विक टू इज एबडोमिनल ग्रिप इज यूज्ड टू असिस्ट द डिसेंट ऑफ हेड इन अ प्रेग्नेंट वूमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, ड्यूरिंग मैनेजमेंट ऑफ प्री एक्लेम्सिया इंडक्शन ऑफ लेवर कैन बी डन बाय फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऑप्शन ए यूज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, बी ऑक्सीटोसिन, सी आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन एंड डी सिजेरियन सेक्शन। राइट आंसर इज डी सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन इज नॉट नेसेसरी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ प्री एक्लेम्सिया एंड इंडक्शन ऑफ लेवर। सो राइट आंसर इज डी सिजेरियन सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन, इफ प्री एक्लेम्सिया इज कॉम्प्लिकेटेड विथ कन्वल्जेंस देन इट इज नोन एज।
ऑप्शन ए एक्लेम्सिया, बी एक्टोपिक प्रेगनेंसी, सी हेडेटिफॉर्म मोल एंड डी हाइड्रोमनियोस। राइट आंसर इज एक्लेम्सिया। इफ प्री एक्लेम्सिया इज कॉम्प्लिकेटेड विथ कन्वर्जन देन इट इज नोन एज एक्लेम्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। स्टेज ऑफ एक्लेम्प्टिक कन्वर्जेंस इन विच पेशेंट हैज ट्रंक ऑपिस्थोटोनस, फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज एंड प्रोट्रूजन ऑफ टंग। ऑप्शन ए प्रीमोनिटरी स्टेज, बी टॉनिक स्टेज, सी क्लोनिक स्टेज एंड डी स्टेज ऑफ कोमा। राइट आंसर इज बी टॉनिक स्टेज। इन टॉनिक स्टेज ऑफ एक्लेम्प्टिक कन्वर्जेंस पेशेंट हैज ट्रंक ऑफ हिस्टोटोनस, फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज एंड प्रोट्रूजन ऑफ टंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। द स्टेज ऑफ एक्लेम्प्टिक कन्वर्जेंस इन विच देयर इज अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सन इन ऑल द वॉलेंट्री मसल्स ऑफ बॉडी। ऑप्शन ए प्रीमोनिट्री स्टेज, बी टॉनिक स्टेज, सी क्लोनिक स्टेज एंड डी स्टेज ऑफ कोमा। राइट आंसर इज सी क्लोनिक स्टेज। इन क्लोनिक स्टेज ऑफ प्री एक्लेम्प्टिक कन्वर्जेंस देयर इज अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन ऑल द वॉलेंट्री मसल्स ऑफ बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ड्यूरिंग इंट्रायूटराइन लाइफ न्यूरल ट्यूब इज क्लोज्ड कंप्लीटली। ऑप्शन ए ऑन वेरी फर्स्ट डे, बी बाय 10th डे, सी ऑन 8th डे, डी बाय 4th टू 5th डे। राइट आंसर इज डी बाय 4th टू 5th डे। सो ड्यूरिंग इंट्रायूटराइन लाइफ न्यूरल ट्यूब इज क्लोज्ड कंप्लीटली बाय 4th टू 5th डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूड इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऑप्शन ए कुशिंग इफेक्ट टू द फीटस, बी इम्प्रूव यूरिन आउटपुट, सी मेंटेन्स इवन टेम्परेचर फॉर द फीटस, डी प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। राइट आंसर इज बी इम्प्रूव यूरिन आउटपुट। इम्प्रूव यूरिन आउटपुट इज नॉट द फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स अकर थ्रू आउट लेवर इन मैकेनिज्म ऑफ लेवर। ऑप्शन ए रेस्टिट्यूशन, बी एक्सटर्नल रोटेशन, सी इंटरनल रोटेशन एंड डी डिसेंट। राइट आंसर इज डी डिसेंट। डिसेंट इज द मूवमेंट दैट अकर्स थ्रू आउट लेवर इन मैकेनिज्म ऑफ लेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ एमनियोटिक फ्लूड इज। ऑप्शन ए फीटल यूरिन, बी फीटल प्लाज्मा, सी मदर्स प्लाज्मा एंड डी मदर्स यूरिन। राइट आंसर इज ए फीटल यूरिन। फीटल यूरिन इज द मेजर कंट्रीब्यूटर्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। द मोस्ट सेंसिटिव मार्कर टू प्रिडिक्ट प्रीटर्म लेवर इज। ऑप्शन ए सीरम फेरिटिन, बी सर्वाइकल लेंथ, सी फेरनिंग टेस्ट एंड डी फाइब्रोनेक्टिन। राइट आंसर इज डी फाइब्रोनेक्टिन। फाइब्रोनेक्टिन इज द मोस्ट सेंसिटिव मार्कर टू प्रेडिक्ट द प्रीटर्म लेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। राइपनेस ऑफ सर्विक्स इज असिस्ड बाय। ऑप्शन ए अपगार स्कोर, बी डाउन स्कोर, सी न्यू वेलार्ड स्कोर एंड डी वाइस ऑफ स्कोर। राइट आंसर इज डी वाइस ऑफ स्कोर। राइपनेस ऑफ सर्विक्स इज असिस्ड बाय वाइस ऑफ स्कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। द कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस ऑफ द ऑनसेट ऑफ लेवर इज। ऑप्शन ए पोडालिक प्रेजेंटेशन, बी वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, सी शोल्डर प्रेजेंटेशन एंड डी फेस प्रेजेंटेशन। राइट आंसर इज बी वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। सो द कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस ऑफ द ऑनसेट ऑफ लेवर इज वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19। विच टर्म डिस्क्राइब्स फीटल डिसेंट ड्यूरिंग लेबर। ऑप्शन ए डायलेटेशन, बी स्टेशन, सी प्रेजेंटेशन एंड डी पोजीशन। राइट आंसर इज बी स्टेशन। स्टेशन इज द टर्म दैट डिस्क्राइब्स फीटल डिसेंट ड्यूरिंग लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। द पर्पस फॉर यूजिंग ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी इज टू। ऑप्शन ए प्रोवाइड पेन रिलीफ, बी स्टिमुलेट इफेक्टिव यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन, सी प्रिवेंट प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा, डी इंक्रीज एबिलिटी टू न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू क्रॉस द प्लेसेंटल ब्लड बैरियर। राइट आंसर इज बी स्टिमुलेट इफेक्टिव यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन।
So the purpose for using oxytocin during labor and delivery is to stimulate effective uterine contractions. Next question, question number 21. After the membranes rupture, what is the priority assessment for the nurse? Option A, presentation; B, fetal heart rate; C, blood pressure; and D, pelvic examination. Right answer is B, fetal heart rate. So after the membranes rupture, the priority assessment for the nurse is to fetal heart rate. Next question, question number 22. Engaging diameter of vertex presentation is option A, suboccipitofrontal; B, suboccipitobrachmatic; C, submentobrachmatic; and D, mentovertical. Right answer is B, suboccipitobrachmatic. Engaging diameter of the vertex presentation is suboccipitobrachmatic. Next question, question number 23. A pregnant client asks the nurse about how the umbilical cord provides circulation to the baby. The nurse responds that the umbilical cord has option A, one artery and two veins; B, one artery and one vein; C, two arteries and two veins; and D, two arteries and one vein. Right answer is D, two arteries and one vein. These two arteries carries deoxygenated blood and one vein carries oxygenated blood for the fetus. Next question, question number 24. Sign and symptoms of placenta previa includes option A, painless vaginal bleeding; B, sharp abdominal pain; C, early rupture of membrane; D, increased low back pain. Right answer is painless vaginal bleeding. So the main sign and symptom of placenta previa is painless vaginal bleeding. Next question, question number 25. Which of the following fontanelle in child is the first to close? Option A, frontal; B, occipital; C, sphenoid; and D, mastoid. Right answer is B, occipital. Occipital is the fontanelle that is firstly close to the child. Because of anterior fontanelle close at the age of 18 months, where posterior fontanelle close at the age of 1.5 months. So occipital fontanelle is the posterior fontanelle that is closer as early as in first to close in the child. Next question, question number 26. Bed rest is essential in preeclampsia since it option A, prevents eclampsia; B, mobilize tissue fluid thereby lowering blood pressure; C, improves blood circulation and decrease edema; D, prevents premature labor. Right answer is C, improves blood circulation and decrease edema. So bed rest is essential in preeclampsia since it improves blood circulation and decrease edema. Next question, question number 27. Early aminocentesis is done in which period of pregnancy? Option A, 6 to 10 weeks; B, 16 to 18 weeks; C, 11 to 15 weeks; D, 9 to 11 weeks. Right answer is C, 11 to 15 weeks. So an early aminocentesis is done which in 11th to 15th week of pregnancy. Next question, question number 28. What is the correct about test tube baby? Option A, fertilization inside female genital tract and grown in test tube; B, rearing of maturity born in incubator; C, fertilization outside and gestation inside the womb of mother; D, both fertilization and development are affected outside the genital tract. Right answer is C, fertilization outside and gestation inside the womb of mother. So in the test tube baby, fertilization outside and gestation inside the womb of mother. Next question, question number 29. In fetal distress, what is found in amniotic fluid? Option A, meconium; B, vernix sinuosa; D, polyhydramnios; and D, bile. Right answer is A, meconium. In fetal distress, meconium is found in amniotic fluid. Next question, question number 30. Which is the wrong term used for the lochia in puerperium? Option A, lochia rubra; B, lochia venosa; C, lochia alba; and D, lochia serosa.
Right answer is B. Logia venosa is a wrong term that is used for the logia in Purpureum.